बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर को ही आगे कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में मैं आपको किंगडम फंजाई एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, और उसके आगे भी जो अदर टॉपिक्स हैं प्लांटी एनिमेलिया और वायरसेस विरोइड्स प्रियोन सब हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो नोटबुक रेडी रखेंगे और थोड़ा सा स्क्रीनशॉट की भी हेल्प लेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम टाइम में करना है, बाद में नोटवर्क कर लेंगे, ठीक है। देखिए, फंजाई के बारे में जब हम लोग एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज जो फंजाई दिमाग में आते के साथ बच्चों के ब्रेन में आता है वो ये कि ये जरूर कहीं पे किसी नेगेटिव रोल में होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। फंजाई, और अभी जो आपके स्क्रीन पे आपको ये फंजाई दिख रहा है, मशरूम है ये, पता ही आपको एडिबल फंजाई है, ठीक है। तो फंजाई के रिगार्डिंग जब हम लोग बात करते हैं तो इसके सर्वाइवल के लिए आपके पास, अगर हम बेसिक क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहली चीज ये है, किसी फंजाई को सर्वाइव करने के लिए ऑप्टिमम मॉइस्चर और ऑप्टिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। बच्चे पूछते हैं कैसे, उसका आंसर ये है कि एक बार आप अपनी डेली लाइफ में इसके एग्जाम्पल को वहां पुट करके देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा। जैसे आपने नोटिस करा होगा, जैसी गर्मी का टाइम होता है तो स्किन रैशेज, इचिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसमें फंजाई का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो आपको ये प्रॉब्लम ठंड के सीजन में नहीं होती, ठंड में इसलिए नहीं होती, लेकिन आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो फुल ईयर 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। फिर कौन सी ऐसी चीज है जो कि गर्मी के टाइम में उसको एक्स्ट्रा एडिशनल मिल रहा है, दैट इज मॉइस्चर। क्योंकि मॉइस्चर उसको मिल रहा है समर के टाइम में, तो उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन इस टाइम में ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब ऑप्टिमम टेम्परेचर वाला एग्जाम्पल लेते हैं, रेफ्रिजरेटर में अगर आपने किसी चीज को रखा है तो आप उसको मॉइस्चर तो दे रहे हैं लेकिन वहां पे ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं दे रहे हैं। तो बोलने का क्या मतलब है, बच्चों को मैं ट्रिक बताती हूँ, कभी भी अगर फंजाई का हैबिटेट पूछा जाए कुछ भी लिख सकते हैं, बस इस बात का ध्यान रखना है वहां पे कि उसके लिए आपको ऑप्टिमम मॉइस्चर और ऑप्टिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट जरूर होगी। चाहे आप उसके लिए मॉइस्ट ब्रेड लिखे या मॉइस्ट वुडन लॉग लिखे, मॉइस्ट सॉइल, रोटेन फ्रूट्स, कुछ भी लिखे। जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इसके पहले कभी भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की पढ़ाई नहीं की है या नहीं समझा है, वो बच्चे साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में नोट्स है तो शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलेंगे क्लास ओवर होने के बाद, और क्वेश्चंस तो खैर आपको लिखना ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रही हूँ मैं। अब इसके बाद क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब आप सिर्फ नेगेटिव रोल में सुन रहे हैं तो क्या सिर्फ नेगेटिव रोल में आप फंजाई को जानते हैं? तो ये जो आपको यहाँ पे मेंबर दिखाई दे रहा है ये यीस्ट है ये, और इतना बढ़िया इमेज है ये, यहाँ पे देखिए इसके बड्स नजर आ रहे हैं आपको, ये क्या है, यीस्ट के बड्स हैं, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन क्या सॉल्व होता है, हाउ यीस्ट इंक्रीजेस इट्स नंबर, तो आप क्या बोलेंगे, बड्स के हेल्प से ये अपने नंबर को बढ़ाने का काम करते हैं। और इस यीस्ट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपके पास एक चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर क्लास 12th की बुक में, उसमें इस ऑर्गेनिज्म का नेम जो है ऑलमोस्ट हर एक पेज के गैप के बाद इसका नेम जो है वो लिखा हुआ है। बोलने का क्या मतलब हो गया कि ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। अब इसका इम्पोर्टेंस जो है इसी से अंदाजा लगा सकते हैं आप, कि अगर आपसे पूछा जाए कि बेकर्स यीस्ट कौन है, मतलब पूरी बेकरी इंडस्ट्री में इस यीस्ट का यूज किया जाता है। और यहाँ पे हम जिस यीस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। क्या नाम है इसका, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। अगर आपसे कोई पूछे ब्रीवर्स ईस्ट का नाम क्या है, तब भी हम लोग क्या बोलते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आपको पास्ट ईयर में ढूंढेंगे ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, बेकर्स ईस्ट इज, अब आपके पास ऑप्शन, अगर सिर्फ आपको साइंटिफिक नेम ही दिख रहा है एग्जाम में तो बच्चों को थोड़ा सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपको इस बात को याद रख लेना है कि सैक्रोमाइसिस सेरेविसी इज द बेकर्स ईस्ट, ब्रीवर्स ईस्ट, चाहे आपसे पूछा जाए कि कमर्शियल प्रोडक्शन में मिथाइल अल्कोहल में किसका यूज करते हैं, तब भी सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ रही हूँ मैं। ये अभी आपने जिस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लिया है दैट इज बेकर्स ईस्ट। अभी मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि मार्क द ब्रीवर्स ईस्ट,
मतलब इन चार ऑप्शंस में से ब्रिवर्स यीस्ट कौन है, तभी आपका आंसर सैक्रोमाइसिस सेरेविसी ही होगा, चाहे आपको कुछ भी ऑप्शन में दिया जाए। ठीक है, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लेंगे। ब्रीवर्स मतलब समझते हैं, ब्रीविंग इंडस्ट्री मतलब जहाँ बियर फॉर्म हो रहा है, वाइन बन रहा है, उन सारी इंडस्ट्रीज में हम लोग क्या करते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का यूज करते हैं। देन सेम चीज है, मैंने अभी जैसे आपको एग्जांपल दिया, अगर आपसे पूछा जाए कि इथाइल अल्कोहल के कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए हम किस फंजाई का यूज करते हैं, द फंजाई यूज्ड इन कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल इज, अगेन द आंसर इज सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। आंसर क्या है आपके पास, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी है। ठीक है, इसका भी लेंगे स्क्रीनशॉट, इस क्वेश्चन का हो गया। यस मैम। देन उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से लिखा गया है, दैट इज सोर्स ऑफ सी टू एच थ्री सैक्रोमाइसिस। कोच, हाँ सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे स्पीड के साथ। हाँ, समझने में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आ रही होगी। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिसको लगे कि मुझे किसी टॉपिक को वापस एक्सप्लेन करना है, तो इंस्टेंटली अभी बोलेंगे, आगे जाके और दिक्कत आ जाएगी, नहीं तो अभी के अभी बोलते चलेंगे, आपको माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर में भी काम देगा। ठीक है, अब ये ऐसा जो है ना, आपने लीव्स के ऊपर जरूर देखा होगा, देखा ही देखा होगा, अगर आप किसी ऐसे एरिया से क्रॉस कर रहे हैं, गार्डन एरिया है या फिर वहां पे एग्रीकल्चरल फील्ड है, तो कुछ पत्तों के ऊपर आपने ऐसा जरूर देखा होगा। अब ये ना अपियरेंस, ये तो खैर काफी जूम करके ये आपको इमेज यहाँ पे दिख रहा है, तो एक्चुअली ये जो अपियरेंस है ना, ये सही में रस्ट जैसा देता है, जैसे कहीं पे रस्ट लगा हुआ हो आयरन में। ठीक है, तो वैसा अपियरेंस देने की वजह से हमने इसका नाम क्या रख दिया है, रस्ट फंजाई। आपसे सीधा पूछा जाएगा कि रस्ट फंजाई कौन है, तो हम लोग वहां पे किसको टिक करते हैं, पक्सीनिया को। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, अभी तक मैंने जितने क्वेश्चंस आपको मार्क कराए हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस पास्ट ईयर में पूछे हुए हैं, मतलब वहां पे कुछ स्टेटमेंट बदल के, चेंज करके, उलट फेर करके आपसे दोबारा पूछा जा सकता है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि रस्ट फंजाई इज पक्सीनिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। देखिए रस्ट फंजाई इज, अब आंसर आ गया आपको, पक्सीनिया। चलिए क्वेश्चन कर लेंगे स्क्रीनशॉट। यस मैम। ऑप्शन वही सारे हैं, वही सेम है, लेकिन क्वेश्चन के चेंज होने के साथ साथ आपका जो आंसर है वो भी चेंज होता जा रहा है। फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलियम नोटाटम का यूज करके, पेनिसिलियम नोटाटम को इस्तेमाल करके बनाया गया था। एक छोटी सी स्टोरी है इसके साथ इंक्लूडेड, स्टोरी ये है, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे वो फंजाई के ऊपर नहीं, बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। फंजाई पे नहीं कर रहे थे, बैक्टीरिया पे कर रहे थे। फिर क्या देखा उन्होंने कि सारे जो बैक्टीरिया, उन्होंने जो कॉलोनी कल्चर जो बना के रखा हुआ है, सारे बैक्टीरिया डेड है। फिर जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो उनको ऐसा, ऐसे जैसे झाड़ू लगाते हैं ना घर में जो ब्रूम होता है, तो उनको ऐसा ब्रूम लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिला। तो उन्होंने सोचा कि मैं इतने दिन से जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, और बैक्टीरिया जो कि इतना रेसिस्टेंट ऑर्गेनिज्म है, उसकी कैसे डेथ हो गई। तब जाके उन्होंने माइक्रोस्कोप में जाके इसको एनालाइज किया, तो उनको ऐसा ही अपियरेंस दिखा। तो उन्होंने लैटिन में उसको, हम लोग पेनिसिलियम को कहते हैं ब्रूम को, तो उन्होंने उसका नाम पेनिसिलियम नोटाटम रख दिया। और आज के डे में जैसे यहाँ पे ये देखिए पेनिसिलिन है, इसके टैबलेट्स भी आते हैं, सिरप भी आते हैं, और एक पाउडर अलग और डिस्टिल्ड वाटर अलग वहां पे मिक्स करके ये देने को भी छोटे बच्चों के लिए आता है। रीजन क्या है कि इससे हम एंटीबायोटिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम लोग, एंटीबायोटिक बनाते हैं। अब एंटीबायोटिक क्यों बनाते हैं, तो सोचने वाली बात यह है, कॉमन सेंस लगाने वाली बात यह है कि अगर बैक्टीरिया कोई इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, तो हमें तो वही मेंबर चाहिए ना जो बैक्टीरिया को किल कर सके। तो पेनिसिलियम की क्या खासियत है, होम्योपैथिक में जब आप जाएंगे ना, होम्योपैथिक इवन के उसमें भी आप अगर बोलेंगे कि पेनिसिलियम के ड्रॉप्स चाहिए हमें, मतलब पेनिसिलिन के, आपको वो भी मिल जाएगा वहां पे। ठीक है, अब कोई ऐसा इन्फेक्शन हो रखा है, आपको ये मतलब डाउट है कि ये ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, तो वहां पे आप उस लिक्विड को लेके अगर डे में 2 to 3 times अप्लाई करेंगे, कुछ टाइम के बाद देखेंगे वो गायब हो जाएगा, इतना अच्छा ये ड्रग है। ठीक है,
मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए आपको क्या चाहिए? पेनिसिलिन चाहिए चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ये बैक्टीरिया के वॉल को ब्रेक डाउन कर देता है। बैक्टीरिया जिंदा किसकी वजह से? अपने वॉल की वजह से। बैक्टीरिया जो आज के डे में इतना रेसिस्टेंट ऑर्गेनिज्म है और इतना इजिली अपने आप को रेसिस्टेंट कंडीशन में सर्वाइव करा पाता है सिर्फ अपने वॉल की वजह से। ठीक है, तो फिर आपके पास अगर क्वेश्चन आता है और अगर आपसे पूछा जाता है कि जो एंटीबायोटिक फर्स्ट बना था उसका सोर्स क्या है, द आंसर इज पेनिसिलियम नटाटम। इस पेज का लेंगे स्क्रीनशॉट। उसी को अब हमने यहाँ पे नाम दे दिया है। पहले हमने बोला था फर्स्ट एंटीबायोटिक, अभी हम बोल रहे हैं यहाँ पे पेनिसिलिन, क्योंकि फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ही है। तो सोर्स ऑफ पेनिसिलिन अगर आपसे पूछा जाए, अगेन द आंसर इज पेनिसिलियम नोटाटम। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। पेनिसिलिन को किसने डिस्कवर किया? अभी अभी मैंने नाम बताया। क्या बोला मैंने? किनका नाम बोला मैंने अभी? पेनिसिलिन को किसने डिस्कवर किया? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किन्होंने किया? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। इस पेज का लेंगे स्क्रीनशॉट। हु डिस्कवर्ड फर्स्ट एंटीबायोटिक? सेम क्वेश्चन विद डिफरेंट स्टेटमेंट। आंसर इज एलेक्जेंडर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फ्लेमिंग। अब जो अभी अभी आपने इमेज देखा उसमें क्या देख रखा है आपने कि ये जो आपको नजर आ रहा है ईस्ट, तो अभी बहुत अच्छे बर्ड्स भी आपने देखे थे जो फॉर्म हो रखे थे इनिशियली जो मैंने आपको शो करा था। तो ये अपने नंबर को कैसे इंक्रीज करता है? ये बर्ड बनाएगा, यहाँ से ऐसे कट जाएगा, डिटैच हो जाएगा। डिटैच होने के बाद ये डॉटर सेल यहाँ पे बना देता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि हाउ ईस्ट इंक्रीजेज इट्स नंबर, तो हम लोग इसमें बडिंग टिक करते हैं। ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। अब चलिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है। आपको अगर क्वेश्चन पूछता है कोई भी और बोले ऐसा कि एक बात बताओ, ये जो फंजाई को क्लासिफाई किया जा रहा है, क्योंकि फंजाई के क्लासिफिकेशन में जब हम इसके बेसिक क्लासेस के बारे में देखेंगे तो आपको यहाँ पे फंजाई की कैटेगरीज जो हैं, बेसिक कैटेगरीज के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो वो आपको चार बेसिक कैटेगरीज देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? अब ये नाम जो है ना, ये प्रिंट हो जाना चाहिए बिल्कुल आपके ब्रेन पे। फाइकोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स, बेसिडियोमाइसिट्स एंड ड्यूटेरोमाइसिट्स। अब आपके क्लास में मैंने क्या किया, सेक्शन डिवाइड करने के लिए सारे बच्चों का क्लास टेस्ट लेके और चार सेक्शन डिवाइड कर दिया। चार सेक्शन जो डिवाइड किया, सेक्शन ए बी सी डी, वो रिजल्ट के अकॉर्डिंग मैंने किया। जो टॉप रैंकर्स बच्चे थे उनको मैंने सेक्शन ए में डाल दिया, थोड़े वीक थे उनको बी में, थोड़े और वीक थे सेक्शन सी में, और बिल्कुल लास्ट रैंकर जो बच्चे थे उनको मैंने सेक्शन डी में डाल दिया, स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ ज्यादा होने की वजह से। अगर कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कल को जाके क्लासरूम में आके कि भाई तुम्हारे तो सेक्शंस डिवाइड कर दिए गए हैं, कैसे तुमको यहाँ पे क्लासिफाई किया गया, तो आप ये थोड़ी बोलेंगे हमारे से सिंगिंग ऑडिशन लिया गया था। ऑब्वियस आप तो यही बोलेंगे कि क्लास टेस्ट लिया गया था। सेम क्वेश्चन यहाँ भी अराइज होता है कि व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, किस आधार पे हमने फंजाई का क्लासिफिकेशन किया। आपको सब कुछ लिखा रहेगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी लिखा रहेगा, रिप्रोडक्शन भी लिखा रहेगा, उसके बाद आपको माइसीलियम। तो यहाँ पे माइसीलियम जो है ये इसके क्लासिफिकेशन का बेसिस है। अब माइसीलियम क्या होता है सो मैं बताती हूँ आपको। देखिए माइक्रोस्कोप के अंदर जाके अगर आप फंजाई को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आपको बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो दिखते हैं। ठीक है, और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो दिखते हैं तो उसमें से एक थ्रेड को कहते हैं हम लोग हाइफा। हाइफा का प्लूरल कीजिएगा तो होगा हाइफी, HYPHAE। और ये जो बंच ऑफ हाइफी है, मतलब ऐसे यहाँ पे ग्रुप में एग्रीगेट इसने बना के रखा हुआ है, इसको हम माइसीलियम कहते हैं। एग्रीगेट्स ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। हम लोग इसको टर्म क्या देते हैं, माइसीलियम बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो माइसीलियम दो तरह के होते हैं। अब अगर मैं बिना कुछ बोले हुए अगर मैं 1 मिनट के लिए चुप रहूंगा और मैं आपसे बोलूं आप फर्स्ट वाले और सेकेंड वाले डायग्राम में डिफरेंस बताएं,
कुछ देर तक देखने के बाद तुरंत आप खुद ही बोलेंगे क्या, कि ऊपर वाला जो डायग्राम है यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, बीच बीच में ऐसे क्रॉस वॉल बने हुए दिख रहे हैं। एक चीज याद रखेंगे, बायो में जहां पे कोई भी वॉल एक पार्टीशन देने का काम करता है उसको सेप्टा कहते हैं। सिंगुलर है सेप्टम, अगर प्लूरल आपको एक साथ बोलना है तो सेप्टा कहते हैं। तो अगर सेप्टा इसमें प्रेजेंट होगा तब हम इसका नाम रखेंगे सेप्टेट हाइफी या सेप्टेट माइसीलियम, सेप्टेट हाइफी या सेप्टेट माइसीलियम। अगर इसके पास क्रॉस वॉल नहीं हुआ तो असेप्टेट माइसीलियम हम कहते हैं। यहाँ पे क्रॉस वॉल एब्सेंट होने की वजह से ये सीनोसाइटिक हाइफी को शो करता है, सीनोसाइटिक कंडीशन को शो करने का काम करता है। सीनोसाइटिक बोलने का मतलब क्या हो गया, मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया। कैसा होगा ये, मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया। क्यों हो गया मल्टी न्यूक्लिएटेड, क्योंकि आपने इसमें से जो क्रॉस वॉल है वो एब्सेंट करके रखा है। तो अब आसानी से ये क्या हो सकता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को शो कर सकता है। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, जो बच्चे इसके पहले नहीं पढ़े हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, एक बार इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, नोटबुक में नोट भी कर लेंगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। फंजाई की एक्सप्लेनेशन में आपके पास एक और मेंबर आता है, आपने इसका नाम भी सुना हुआ, 9th में भी आपने इसका नाम सुना है, लाइकेन। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाइकेन, तो आपको सिर्फ इतनी सी पहली बात ये कि आपको जो ये इमेज दिख रहा है यहाँ पे एल्गी और फंजाई के पैचेस हैं, लाइकेन को हम लोग पॉल्यूशन इंडिकेटर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जहां पे पोल्यूशन ज्यादा होगा वहां लाइकेन का नंबर कम होगा, जहां पोल्यूशन कम होगा वहां लाइकेन का नंबर ज्यादा होगा, जिसकी वजह से हमने बोला कि ये क्या है, ये पोल्यूशन इंडिकेटर है। जहां जिस एरिया में ज्यादा देखा जाएगा वहां पे हम समझ जाएंगे कि अच्छा यहाँ पे अभी पोल्यूशन जो है वो कम है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि लाइकेन क्या है, तो एक्चुअली जो लाइकेन है ये एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन है। मतलब यहाँ पे एल्गी और फंजाई एक साथ बैठे हुए हैं। फिर एक और क्वेश्चन अराइज होता है क्यों एक साथ बैठे हैं, तो भाई ये तो सबको समझ आता है कि फंजाई एल्गी से क्या ले रहा होगा, न्यूट्रिशन ले रहा होगा, क्योंकि एल्गी फोटोसिंथेटिक है, तो भाई इतना अच्छा ये बेचारा न्यूट्रिशन देने वाला है तो इसके साथ तो कोई भी रहना चाहेगा। ठीक है, ये तो समझ आया, लेकिन बच्चों के दिमाग में एक डाउट ये आता है, फिर ये एल्गी क्यों रह रहा है फंजाई के साथ। फंजाई कोई भी जब ऑर्गेनिज्म होता है इसको जल्दी पसंद नहीं करता एज अ फूड, एज अ न्यूट्रिटिव फूड। ठीक है, तो जिसकी वजह से फंजाई ने जब इसको चारों तरफ से कवर करके रखा होता है तो ये एल्गी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। दूसरी बात, एक चीज आपने और नोटिस करा होगा, जैसे कभी ब्रेड वगैरह पे ग्रीन ग्रीन पैचेस आ जाते हैं फंजाई के, आप अगर उसको टच करके देखें तो वो स्टिकी होगा, मॉइस्ट होगा। फंजाई की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि मॉइस्ट कंडीशन में ही सरवाइव करता है। तो जब ये मॉइस्ट कंडीशन में सरवाइव करेगा तो ये खुद भी क्या करता है, इमरजेंसी कंडीशन में मॉइस्चर एल्गी को प्रोवाइड करने का काम करता है। अब अगर आपको देखने को मिलता है लाइकेन, तो उसमें जो इसका एल्गी वाला पार्ट है उसको कहते हैं फाइकोबायंट, और एल्गी की स्टडी को कहते हैं फाइकोलॉजी, और उसमें जो फंजाई वाला पार्ट है उसको कहते हैं माइकोबायंट, और फंजाई की स्टडी को हम लोग कहते हैं माइकोलॉजी। ठीक है, ये बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन इस पेज पे है, रिप्रेजेंटेशन, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अब मैंने यहाँ पे इस पेज पे मेंशन कर रखा, लाइकेंस डोंट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज, हेंस दे आर रेफर्ड एज पोल्यूशन इंडिकेटर्स। और उसके ऊपर एक पूछा हुआ क्वेश्चन है, पोल्यूशन इंडिकेटर इज क्या है, इसमें से एल्गी है, फंजाई है, लाइकेन है, ऑल ऑफ द अबव है। तो एल्गी नहीं होगा, फंजाई भी नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, लाइकेन होगा। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे।
जैसे आपने लाइकेन पढ़ा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म मतलब दोनों को एक दूसरे से बराबर बराबर फायदा होता है, ठीक है। तो माइकोराइजा क्या हुआ फिर? माइकोराइजा बोलने का मतलब है कि यहाँ पे किसका एसोसिएशन है, तो फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है एल्गी एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, तो बहुत सारे ऑप्शंस जो आप जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं, लाइकेन को माइकोराइजा में याद कर लेते हैं, एल्गी एंड फंजाई पे टिक करके आ जाते हैं। हमेशा याद रखना है कि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, जिम्नोस्पर्म्स जो कि हायर प्लांट की कैटेगरी में आता है, उसके रूट्स के साथ जब फंजाई का एसोसिएशन होता है तो हम इस एसोसिएशन को माइकोराइजा कहते हैं। क्या कहते हैं? माइकोराइजा कहते हैं। पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। उसके बाद इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। माइकोराइजा में फंजाई के साथ कौन मिलेगा आपको? हायर प्लांट्स मिलेंगे। क्या होता है भाई फंजाई का तो सबको पता है, प्लांट है तो ये क्या करेगा, इसको न्यूट्रिशन भी देगा डायरेक्ट, ये क्या करेगा इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स का क्या करेगा, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन करेगा। और दूसरी बात ये है कि मॉइस्चर चाहिए फंजाई को, वो भी मिलेगा। किसी भी प्लांट को अगर आप डिटैच करें, उखाड़े अगर जमीन में से, तो आपने नोटिस करा होगा कि वहां का जो सॉयल है ना काफी मॉइस्ट होता है, क्योंकि प्लांट के रूट्स का काम ही है वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करना वहां से खींच के, तो जिसकी वजह से वहां पे मॉइस्चर होगा, तो ये तो फंजाई के लिए बहुत ही बड़े फायदे की बात हो गई। तो ये क्या करता है, जिसकी वजह से हायर प्लांट्स के साथ एसोसिएटेड होता है। ये तो सबको समझ आता है, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है, ये फंजाई जो है इसको इस प्लांट ने किस लालच में रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है इसने? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फंजाई जो है कार्बन एंड फास्फोरस जो एलिमेंट्स हैं उसका एक प्लांट से दूसरे प्लांट में मोबिलाइजेशन करता है, इसको मिनरल मोबिलाइजेशन कहते हैं हम लोग। और एक प्लांट और दो प्लांट के बीच में अगर फंजाई प्रेजेंट है, अवेलेबल है, ये देखिएगा एक प्लांट को उसकी कमी हो रही है तो दूसरे इसे खींच के पहले प्लांट को ये दे देता है। इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लेंगे। यस मैम। अभी अभी मैंने आपको बोला फंजाई की जो बेसिक कैटेगरीज हैं वो हैं फाइकोमाइसिस, एस्कोमाइसिस, बेसिडियोमाइसिस, ड्यूटेरोमाइसिस, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब फटाफट समझेंगे मैं जो बात आपको समझा रही हूँ, सिखा रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा आपसे, विच कैटेगरी ऑफ फंजाई पोजेस एसेप्टेट माइसिलियम। अभी भी मैंने आपको माइसिलियम सिखाया है, एसेप्टेट माइसिलियम सिर्फ फाइकोमाइसिस का होता है, बाकी तीनों के पास क्या एसेप्टेट माइसिलियम है, ये अच्छी बात है, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन क्रिएट होता ही नहीं है, ठीक है। तुरंत फाइकोमाइसिस जो है, 1 मिनट के अंदर मैं आपको समझा रही हूँ, तुरंत क्विक समझेंगे, ठीक है। हैबिटेट में सारे फंजाई में जो आपको हैबिटेट लिखना है वो सेम लिखना है, एक्वेटिक हैबिटेट में कोई भी चीज खराब हो रही हो ना नेचर में, उस पर फंजाई फ्री फंड में ग्रो करेगा, ठीक है। और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स के तौर पे पाए जाते हैं प्लांट्स में। माइसीलियम अभी अभी मैंने आपको बताया, एकमात्र सिंगल इकलौता ऐसा क्लास फंजाई का जिसके पास असेप्टेट माइसीलियम है, बाकी सबके पास सेप्टेट होगा, ठीक है। अभी अभी तुरंत मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था, ये कैसा हो गया, सीनोसाइटिक मल्टी न्यूक्लियेटेड हो गया, क्यों हो गया, क्रॉस वॉल नहीं है उसके पास, क्रॉस वॉल नहीं होने की वजह से कैसा हो गया, वो मल्टी न्यूक्लियेटेड हो गया। अब यहाँ से आपके पास है 2 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच कैटेगरी ऑफ फंजाई पोजेस असेप्टेट माइसीलियम, योर आंसर इज फाइकोमाइसिस। सेकेंड क्वेश्चन इज विच कैटेगरी ऑफ फंजाई पोजेस सीनोसाइटिक कंडीशन, वो जानबूझकर लिखी नहीं था मल्टी न्यूक्लियेटेड, ताकि पहले आपको टर्म तो याद आए, द आंसर इज फाइकोमाइसिस, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपके इस पेज से है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। और इस पर तो बहुत क्वेश्चंस है, जो यहाँ पे सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट है, बच्चों के दिमाग में ये बात नहीं समझ आती जब इसको वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि क्या हम अप्लानोस्पोर को समझे और क्या हम जूस्पोर को समझे। देखिए सबसे पहली बात, पॉइंट नंबर 1,
ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर करेगा तो, असेक्सुअल बोलने का मतलब है इसको कभी भी दूसरे पार्टनर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इसके असेक्सुअल स्पोर का नाम अप्लैनोस्पोर सिर्फ तब दिया जाएगा जब वो मूव नहीं कर सकता, जब वो नॉन मोटाइल है। हम उसको जू स्पोर तब बोलेंगे जब वो मूव कर सकता है, जब वो मोटाइल है, बस इतनी सी ही बात है, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, ये जो स्पोर्स है ना, आप चाहे जू स्पोर बनाइए चाहे अप्लैनो स्पोर, ये सब इसके अंदर बनता है। तो अंदर बनेगा तो हम लोग उसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे, एंडोजिनसली, नॉट एक्सोजिनसली। अगर बाहर बनता तो हम बोलते एक्सोजिनसली, क्योंकि अंदर बन रहा है तो हम इसको बोल रहे हैं एंडोजिनसली। स्पेस का स्क्रीनशॉट लेंगे। अब जब एग्जाम्पल्स की बारी आती है तो आपको भी मैंने वही सिखाया है, और हमेशा बच्चों को मैं यही सिखाती हूँ ट्रिक के तौर पे, कि आपको क्या करना है। मैं बताती हूँ आपको, एक पेज पे जरूर मेंशन करा होगा मैंने कहीं ना कहीं, ये रहा। हाँ, आपको ट्रिक के तौर पे सिर्फ याद रखना है RAM, राम याद रखना है आपको, ठीक है। आर से, आर फॉर राइजोपस, जो ब्रेड के ऊपर आपने ग्रीन ग्रीन पैचेस लगे हुए देखे हैं, दैट इज राइजोपस। अल्ब्यूगो, मस्टर्ड पे जो पैरासिटिक फंजाई है उसका नाम है अल्ब्यूगो। और म्यूकर तो काफी ज्यादा कॉमन है, म्यूकर, कोई भी चीज कहीं पे ऐसी रखा हो आपने बिना वॉश किए हुए, फ्रूट्स वगैरह हैं कहीं पे मॉइस्ट कंडीशन में, तो कहीं पे ये म्यूकर जो है ये ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। और एग्जाम्पल्स पे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और ये देखते चलिए, आप पहचानते हैं इनको। ये देखिए, ये है आपके पास, ये रहा आपका राइजोपस, द ब्रेड मॉल्ड, ये राइजोपस है, मैं इसकी बात कर रहा है, ये जो आपने देख रखा है खराब होते हुए। और ये क्या है आपके पास, इसको जब जूम करके आप देखेंगे ना तब आपको दिखेगा, अच्छा ये क्या है, इसका स्पोरेंजियम है जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। अगर आज के बाद से, बायो में एक जगह नहीं, आपको कई प्लेसेस पे स्पोरेंजियम टर्म सुनने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आज के बाद से कभी भी स्पोरेंजियम टर्म सुनेंगे तो हमेशा एक बात याद रखेंगे, एक ऐसा बैग लाइक, सैक लाइक, पाउच लाइक, कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं उसको स्पोरेंजियम या स्पोरेंजिया कहते हैं। ये क्या है, ये राइजोपस है, ये क्या है, राइजोपस है, ये क्या है, अल्ब्यूगो है, क्या है ये, अल्ब्यूगो। अब यहाँ पे ऐसे है इस पत्ते पे, यहाँ पे इस तरीके से चारों तरफ से इसको इसने रैप करके रखा हुआ है। और ये जो है ये क्या है, ये म्यूकर है, ये क्या है, यहाँ पे ये जो फंगस लगा हुआ है दैट इज म्यूकर, ठीक है। चलिए, अब मैंने तो आपको ये बताया है, अब विदाउट ऑप्शन आप लोग क्वेश्चन का आंसर करेंगे फुल स्पीड के साथ। मैं जो क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ वो फटाफट आंसर करेंगे। मेंशन कैटेगरी ऑफ म्यूकर, और आपके पास चार ऑप्शन है पता है ना, फाइकोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स, बेसिडियोमाइसिट्स, ड्यूटेरोमाइसिट्स। मैं ऑप्शन नहीं लिख रही, क्या होगा आंसर? फाइकोमाइसिट्स ठीक है, वेरी गुड, फाइकोमाइसिट्स। देन अगर आपसे पूछा जाए, मेंशन द टाइप ऑफ माइसीलियम इन फाइकोमाइसिट्स, क्या हो जाएगा आंसर? नहीं, असेप्टेट होगा इसमें, असेप्टेट एंड ब्रांच्ड। जहां समझ नहीं आया होगा, बाकी बच्चों को बोल रही हूँ, तुरंत कोई कभी पूछेंगे तुरंत समझ आएगा विद इन सेकेंड्स आपको, ठीक है। हिंट
हेजिटेशन रखेंगे फिर आपको आगे दिक्कत आएगी जाके। मैंने तो बहुत ही जीरो लेवल पे आपको जाके समझाया, कोई भी चीज उसमें मिसिंग नहीं छोड़ी है। चलिए आगे, नेम द, ये भी सब सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, जाके ढूंढेंगे मिल जाएगा आपको पास में। नेम द ब्रेड मोल्ड। राइजोपस हाँ, चार आपको ऑप्शन होगा, उसमें से आपको राइजोपस को मार्क करना है सिर्फ। देन मेंशन द टर्म फॉर नॉन मोटाइल असेक्सुअल स्पोर। प्लान ऑफ ठीक है, वेरी गुड। इन फाइकोमाइसिस। और प्लानोस्पोर्स। और अगर इसी क्वेश्चन को सिर्फ हम क्या कर दें, नॉन मोटाइल को मोटाइल बना दें, तब आपका हो जाएगा आंसर, हाँ, जू स्पोर्ट्स हो जाएगा। चलिए फटाफट इस पेज का लेंगे स्क्रीनशॉट। हो गया डन। मैम। देन नॉन मोटाइल को सिर्फ यहाँ पे मोटाइल कर देना है, तो ये जू स्पोर्ट्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैप द ऑड ऑप्शन। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा राइजोपस, देन मैंने यहाँ पे मेंशन करा एक्सीनिया अल्बुगो एंड देन म्यूकर। तब क्या होगा आंसर? अलबियोगो नहीं, मतलब देखिए, राइजोपस, अल्ब्यूगो, म्यूकर, ये तीनों के तीनों किसको बिलोंग कर रहे हैं? साइकोमाइट। हाँ, तो एक ऑड हमें चुनना है यहाँ पे, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑक्सीजन आ जाएगा। साइकोमाइट से बिलोंग हाँ, आंसर लिख लीजिए इसके। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अब देखिए फंजाई की नेक्स्ट कैटेगरी आपके पास एस्कोमाइसिट्स। समझेंगे बहुत ध्यान से, एस्कोमाइसिट्स बोलने का क्या मतलब हुआ? एस्कस से ये वर्ड आया है, ठीक है। अब ऐसे कैसे आपको ये ऐसे हॉलो खोखला दिख रहा है? तो एस्कस मतलब ये होता है सैक। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ फंजाई इज टर्म्ड एज सैक फंजाई, तो हम लोग क्या टिक करेंगे यहाँ पे? एस्कोमाइसिट्स को। किसको मार्क करेंगे? एस्कोमाइसिट्स को। अब ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इतने, मतलब मेरे ख्याल से ये ऐसी कैटेगरी है फंजाई की जो कि सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को कैरी करता है, अगर इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब सैक फंजाई सिर्फ इसी को बोलेंगे और किसी को नहीं बोलेंगे। इसके बाद से हम लोग जितने भी फंजाई की कैटेगरीज की पढ़ाई करेंगे सब में हम सेप्टेट और ब्रांच्ड माइसीलियम देखेंगे। और इसकी खासियत क्या है कि ये सेप्रोफाइटिक भी होगा, सेप्रोफाइटिक होगा तो डिकम्पोजर तो होगा ही होगा, पैरासिटिक भी होगा, और एक नया वर्ड यहाँ पे आप सीखेंगे
अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी के एक्सप्लीटा पे सर्वाइव करता है तो उसके लिए हम लोग कोप्रोफिलस टर्म बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको? हम लोग कोप्रोफिलस टर्म बोलते हैं. ठीक है. सेप्टेट में तो सेप्टेट 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 आगे की जितनी भी कैटेगरीज आप सुनेंगे सब में आप कौन सा टर्म बोलेंगे कि कैसा है ये सेप्टेट है. ठीक है. तो इसके लिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए द टर्म फॉर दैट ऑर्गेनिजम्स विच सर्वाइव ऑन डंग तो किसको टिक करेंगे हम लोग? कोप्रोफिलस. किसको मार्क करेंगे? कोप्रोफिलस को. ठीक है. और इसके तो सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो एक पे एक है. मतलब सारे मार्वेलस एग्जाम्पल्स इसके पास भरे पड़े हैं. जैसे अगर फर्स्ट एग्जाम्पल के बारे में हम लोग बात करें तो अभी तुरंत आपने सीखा है और इस पे मैंने बहुत क्वेश्चंस आपको पहले ही अभी करा रखे हैं. आपने ये भी कर रखा है हु डिस्कवर्ड फर्स्ट एंटीबायोटिक? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग. और नेम द सोर्स ऑफ फर्स्ट एंटीबायोटिक? पेनिसिलियम नोटाटम. वही सारे रिपीटेड क्वेश्चंस इस पे हैं, पता है आपको. नेम द फर्स्ट एंटीबायोटिक? पेनिसिलिन. तो ये आपके पास जो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे दिख रहा है दैट इज, तो ये किसका एग्जाम्पल है? एस्कोमाइसिस का एग्जाम्पल है. उसके बाद फिर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर वापस वही उठा उठ के आ गया. उस वक्त तो इंट्रोडक्शन दे दी थी मैं आपको फंजाई का. वापस यहाँ पे आपके पास क्या आ गया? सैक्रोमाइसिस एरेमिस. किसका एग्जाम्पल है? ये भी एस्कोमाइसिस का है. इसको बेकर सीस्ट भी बोलते हैं, ब्रीवर सीस्ट भी बोलते हैं. ये भी क्वेश्चन आप यहाँ पे पहले ही इसके सारे क्वेश्चन आप लोग कर रखे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो नहीं मार्क कराया है. एमसीक्यू इसके रिगार्डिंग आपने पहले ही कर रखा है. अगला जो एग्जाम्पल है यहाँ पे ये देखिए, ऐसे कॉलोनी अगर आपने एक पेट्री डिश में ग्रो कर रखा है ना तो ऐसा कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा, पैच की तरह. लेकिन जब इसमें से भी एक बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को आप जूम करके देखेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नजर आता है. आप अभी जो पेनिसिलियम देख रहे थे ना, पेनिसिलियम के केस में आपको ऐसे बिल्कुल साइड में जो ये छोटे छोटे बीड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे थे, इसके असेक्सुअल स्पोर का नाम कोनिडिया है. ये पिछले साल के नीट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द असेक्सुअल स्पोर इन पेनिसिलियम. आपको चार ऑप्शन दिया था, उसमें से कोनिडिया को मार्क करना था. अच्छी बात यह है कि अगर कोई आपसे पूछता है कि मेंशन द असेक्सुअल स्पोर इन एस्परजिलस नीगर तो इसका नाम भी कोनिडिया ही है. ठीक है. और आपने देखा होगा कि विटामिन सी के जो टैबलेट्स आते हैं वो काफी सस्ते आते हैं, लेकिन मार्केट में जाके अगर आप लेमन नींबू खरीदने की कोशिश कीजिए तो वो काफी महंगा मिलता है. तो कैसे इतना गैप आ गया जबकि कॉस्टिंग प्रोसेसिंग और बाकी सारी चीजें मिला के उसका प्राइस और ज्यादा होना चाहिए था. रीजन ये है कि ये एक बहुत ही चीप सोर्स है सिट्रिक एसिड के आइसोलेशन का. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कमर्शियल प्रोडक्शन सिट्रिक एसिड के लिए आपको किसका यूज करना है, चार ऑप्शन अगर आपके पास है तो एस्परजिलस नीगर को मार्क करेंगे. ये भी एस्कोमाइसिस का ही एग्जाम्पल है. स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, लेते चलेंगे जितने भी पेजेस हैं यहाँ पे उसका आप लेते चलेंगे. आपने एक सीरीज में जब आप अपने डिवाइस में यूज कर रहे हैं पढ़ रहे हैं इसको तो एक सीरीज में वो जाएगा, वैसे वैसे कॉपी में नोट कर लेंगे. ठीक है. चलिए नेक्स्ट. अब यहाँ पे जो आपने अभी देखा ना, जैसे ये दिख रहा है आपको, ये भी नजर आ रहा है तो आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे कोई फंगल डिजीज जो है वो हो रखा है इस प्लांट को. तो इसको एर्गोट डिजीज कहते हैं और इसको हम लोग कॉमनली एर्गोट फंजाई कहते हैं. इसका नाम है क्लेविसेप्स परप्यूरिया. आपके बुक में सिर्फ क्लेविसेप्स लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है. क्लेविसेप्स देख के भी आप पहचान जाएंगे. आपसे सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाएगा मेंशन द एर्गोट फंजाई. आपको सिर्फ किसको टिक करना है? क्लेविसेप्स को मार्क करना है. देन न्यूरोस्पोरा. भाई ये तो फंजाई है ना, पूरी बायोटेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. और ये भी पूछा हुआ, ये मेरे ख्याल से इस साल का नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये. विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज यूज्ड वाइडली एंड एक्सटेंसिवली इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फॉर वैरायटी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. आपको उसमें किस में टिक करना है? न्यूरोस्पोरा में. ठीक है. और सबसे लास्ट में एक सुपर एग्जाम्पल है इसका. जब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, ये मोरेल्स एंड ट्रफल्स हैं. इसको आप देखेंगे चॉकलेट बनाने में, केक्स बनाने में. आप गए एक स्वीट शॉप में, गए आप उसको बोलिए कि मुझे ट्रफल केक चाहिए, देखिए देगा निकाल के वो. तो ये इसके इस्तेमाल के तौर पे अगर हम लोग बात करें तो इसमें एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है. जैसे चॉकलेट की स्मेल आती है ना, वैसा ही, जिसकी वजह से और न्यूट्रिशनल वैल्यू भी इसका अच्छा खासा होता है,
जिसकी वजह से इसको इस्तेमाल करते हैं उसमें, ठीक है। ये आपके पास कौन सी कैटेगरी थी, एस्कोमाइसिस। फिर जब हम लोग बेसीरियोमाइसिट्स के बारे में बात करते हैं, तो बेसीरियोमाइसिट्स क्या है, ये तो खैर अनोखी कैटेगरी है। जब किसके बारे में हम लोग बात करते हैं, बेसीरियोमाइसिट्स के बारे में, देखिए अभी अभी जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था ना, तो मैंने इसी मशरूम के इमेज से चैप्टर स्टार्ट किया था भाई। इसको इसलिए फंजाई को पढ़ाते वक्त सबसे पहले रखा जाता है ना, रीजन ये है, ये दुनिया में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला फंजाई है, और आगे जाके फूड सोर्स के तौर पे यही सारी चीजें आनी है। जिस तरीके से डे बाई डे डे बाई डे डे बाई डे जो वेजिटेशन अर्थ का खत्म किया जा रहा है, और बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं, अब ऐसा थोड़ी कि कल को जाके भूख लगेगी तो लैपटॉप रेफ्रिजरेटर मोबाइल फोन थोड़ी खाएंगे। तो आपके पास फूड सोर्स के तौर पे फंजाई, तो स्पिरुलिना, यही सारी चीजें आने वाली है, आगे जाके फ्यूचर की जनरेशन को यही सब मिलने वाला है, तो जिसकी वजह से जो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है। दूसरी बात ये है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको डॉक्टर कहते हैं ज्यादा से ज्यादा ये मशरूम्स खाने के लिए। रीजन ये है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट वैल्यू कम है, तो खाएंगे तो उनका पेट भी भर जाएगा, और कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो शुगर बनेगा, तो कार्बोहाइड्रेट कम है और नहीं है तो जिसकी वजह से उनका शुगर भी नहीं बढ़ेगा। फिर बेसिडियोमाइसिट्स के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो ये तो खैर मशरूम है ही, हैबिटेट सेम है, और माइसीलियम तो बोलने की बात ही नहीं, ये भी सेपरेट एंड ब्रांच्ड माइसीलियम को कैरी करने का काम करता है। रिप्रोडक्शन टुकड़े टुकड़े कर दीजिए तब भी ये सारे ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन। असेक्सुअल स्पोर इसमें नहीं है, ये तो बिल्कुल नैले पे दहला पॉइंट है। अब हम यहाँ पे दो स्टेटमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, समझेंगे बहुत ध्यान से जिन बच्चों के लिए नया है। बेसिडियोमाइसिट्स एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें हम बोलेंगे असेक्सुअल स्पोर है ही नहीं और सेक्सुअल है ही नहीं, तो है क्या फिर? तो ये एक अनोखी कैटेगरी है फंजाई की, कुछ भी नहीं है तो करेगा क्या, ये करता ये है। सिर्फ डायग्राम पे फोकस करेंगे, लिखे पे नहीं जाएंगे। आपको समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो मेरे से अभी इंस्टेंटली पूछेंगे। बहुत ही साधारण सी सिंपल सी बात है, देखिए समझिए ध्यान से। आपको यहाँ पे और इस कैटेगरी में क्या है कि दो अलग अलग फंजाई की वैरायटी के सेल्स जो है कॉन्टेक्ट में आते हैं, ऐसे पास पास आए और इनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर गया लेकिन न्यूक्लियस नहीं कर पाया। जब न्यूक्लियस नहीं करेगा तो क्या करेगा ये डायकैरियोटिक कैरियन, मतलब न्यूक्लियस, तो ये क्या करेगा, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा जिसमें कि दो न्यूक्लियाई होंगे, और ये तुरंत क्या करता है, बेसीडियम बनाता है। क्या बनाता है? बेसीडियम, ठीक है। इतनी बात समझ आई? ये सर नो, प्लाज्मोगेमी होगा कैरियोगेमी नहीं होगा, इतना सब समझ आया सबको? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बेसिडियोमाइसिट्स में प्लाज्मोगेमी होगा लेकिन कैरियोगेमी नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ये क्या करता है, 2N स्ट्रक्चर यहाँ पे इसने बना रखा है। अब आगे क्या होगा, इस बेसिडियम में मियोसिस होगा और मियोसिस से 4 बेसिडियोस्पोर्स फॉर्म होंगे जो कि एक्सोजेनसली बनते हैं। एक बेसिडियम पे देखिए 1, 2, 3, 4 यहाँ पे ये बन रहे हैं, ठीक है। और ये ऊपर जो आपको ऐसे दिख रहा है ये फ्रूटिंग बॉडी, इसका नाम है बेसिडियोकार्प। मैंने आपको बता रखा है ना कि बायो में कहीं भी अगर कार्प लगाओ, कार्प मतलब फ्रूट होता है, कार्प मतलब क्या होता है, फ्रूट होता है, हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। और फिर जब हम बेसिडियोमाइसिस के एग्जांपल पे आते हैं, अभी कैसे मैंने ऑर्ड में एक पक्सिनिया डाल दिया था वहां पे, जब मैं फाइकोमाइसिस के एग्जाम्पल में से पूछ रही थी। अगेरिकस जो सबसे ज्यादा खाया जाने वाला फंजाई, दैट इज मशरूम। ये स्टील गो ऐसे स्मट फंजाई कहते हैं इसको, जैसे यहाँ पे ये है ना मेज है, उसमें क्या कर रहा है, ये स्मट कॉज करने का काम कर रहा है। फक्सीनिया इज डस्ट फंजाई। काफी इजी एग्जांपल्स हैं इसके, बस आपको याद होना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, अब अगर इसमें से आपको टिक करना है एडिबल फंजाई इज, क्या होगा, फटाफट आंसर करेंगे। एडिबल फंजाई इज कौन सा है? एडिबल फंजाई है मशरूम। हाँ, एडिबल फंजाई कौन सा है? मशरूम है। स्क्रीनशॉट लेते चलिए। देन अगर आपसे पूछा जाता है स्मट फंजाई इज, स्मट कौन सा है? अभी तुरंत बताया मैंने स्मट फंजाई इज,
ये स्टील को स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। अगर उसी को रस्ट फंजाई कर दू तो वक्सीनिया हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, वक्सीनिया हो जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। अब देखिए फंजाई के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो लास्ट कैटेगरी आपके पास ड्यूटेरोमाइसिट्स है। लास्ट क्या है आपके पास, ड्यूटेरोमाइसिट्स है। इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आपको अगर पूछा जाए कि विच फंजाई कैटेगरी इज नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई, आपके पास वन एंड ओनली आंसर है ड्यूटेरोमाइसिट्स। आंसर क्या है आपके पास, ड्यूटेरोमाइसिट्स। आपको चाहे कितने भी ऑप्शन दे रखे हैं, ये है कि इसमें एक भी इकलौता है जो कि क्या करे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे, तो जिसकी वजह से हम लोग क्या कहते हैं इसको, ड्यूटेरोमाइसिट्स। अब इस क्वेश्चन में मैं 10 क्वेश्चन चिपका सकती हूँ। अगर मैंने आपसे पूछा कि कौन सी ऐसी कैटेगरी है फंजाई की जो कि सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेगा, तब भी ड्यूटेरोमाइसिस। कौन सी ऐसी कैटेगरी है जिसमें फ्यूजन नाम की कोई चीज ही नहीं होगी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसी कोई चीज नहीं होगी, तब भी आंसर क्या होगा, ड्यूटेरोमाइसिस होगा। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स के बारे में। एग्जाम्पल्स जो है तो उसके लिए मैं आपको ऐसे क्वेश्चन दे देती हूँ जैसे अभी मैंने लिखा था, मार्क द ऑड ऑप्शन। देखिए आपके पास इसके जो क्लासिक एग्जांपल्स हैं, पहला एग्जांपल है आपके पास ट्राइकोडर्मा, देन है आपके पास अल्टरनेरिया, और फिर है आपके पास कोलेटोट्राइकम। बच्चों को मैं कहती हूं कि काम करो, याद रखो CAT, कोलेटोट्राइकम, अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा, और एक लास्ट हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं वक्सीनिया। तो ऑड ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, है ना, क्योंकि बाकी सारे किसको बिलोंग करते हैं, बाकी सारे ड्यूटेरोमाइसिट्स को बिलोंग करते हैं। यहां तक समझने में कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है बिल्कुल, यहां तक क्लियर है बिल्कुल। अब देखिए फंजाई के बाद जैसे ही आप आगे जाके किंगडम प्लांटी पे जाते हैं, किस पे जाते हैं, एनिमेलिया पे नहीं, एनिमेलिया के पहले आपको मूव करना पड़ेगा किंगडम प्लांटी के ऊपर। तो प्लांटी में सबसे अच्छी खासियत ये है, नहीं है, मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मार्क कर देती हूँ आपको। देखिए प्लांटी, सबको पता है कि अगर हम लोग प्लांटी के बारे में बात करें तो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉफिक है, वो तो खैर लिखने वाली बात है नहीं। क्वेश्चन क्या है, फिर क्वेश्चन है यहाँ पे, मेंशन द पैरासिटिक प्लांट, ये क्वेश्चन है। आपके पास कस्क्यूटा, जिसको हिंदी में अमरवेल कहते हैं, कस्क्यूटा जो है ये ऐसा प्लांट है जो कि बनियन ट्री वगैरह के चारों तरफ आपको लिपटा हुआ दिखेगा, लेकिन इसके रूट को ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि अपना न्यूट्रिशन उसी ट्री से ले रहा होता है और ये पैरासिटिक प्लांट है। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्लांट्स का रिजर्व फूड क्या है, रिजर्व फूड क्या होगा आंसर, रिजर्व फूड इन प्लांट्स इज क्या होगा आंसर, स्टार्च, क्या हो जाएगा, स्टार्च हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आप बचपन में जब लिखते थे ना प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंस, तो आप लिखते थे प्लांट के पास सेल वॉल होगा, एनिमल्स के पास नहीं होगा। तो फिर अगर आपसे पूछा जाए कि नेचर ऑफ सेल वॉल क्या है, तो सेल वॉल किसका बना होता है, हाँ वेरी गुड, सेल्यूलोज का बना होता है।
चलिए हो गया ये, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे प्लांटिंग। यस मैम। और एनिमल के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो एनिमल के बारे में सारे बच्चों को पता है ऑलरेडी कि इसका यूकैरियोटिक प्लांट भी था ये भी है, मल्टीसेलुलर प्लांट्स भी थे ये भी है, ठीक है। लेकिन इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आएगा, प्लांट्स में नहीं लिखेंगे ऑर्गन सिस्टम। ये सब के सब कैसे हेटरोट्रॉफिक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करेंगे, मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन के लिए जाने जाते हैं, इनका रिजर्व फूड ग्लाइकोजन। आपकी बॉडी का रिजर्व फूड क्या है, ग्लाइकोजन है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि एनिमल्स का रिजर्व फूड कौन सा है तो हम लोग वहां पे क्या टिक करते हैं, क्या मार्क करते हैं, ग्लाइकोजन। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अब नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों के दिमाग में जो पजल बना हुआ है ना वो यही है। क्या है, कहते हैं मैम हमें कंफ्यूजन होती है वायरसेस विरोइड्स प्रियोन्स के अंदर। इस पे हमने कुछ क्वेश्चन शुरू में भी बहुत सारे कर रखे हैं जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था। एक चीज सिर्फ याद रखनी है, अगर वायरस है तो इसके पास प्रोटीनेशियस कोट के साथ साथ कोई ना कोई जेनेटिक मटेरियल जरूर होगा, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो। जैसे कोरोना वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए है। आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक अडीनो वायरस कॉज करता है, उसके पास क्या है, डीएनए है। एचआईवी के पास क्या है, आरएनए। लेकिन उसके साथ उसके पास एक प्रोटीनेशियस कोटिंग जरूर होगी। फिर सवाल ये उठता है विरोइड्स क्या है, तो विरोइड्स में सिर्फ आरएनए है, प्रोटीन का कोई नामो निशान नहीं है। ये ठीक वैसा ही इन्फेक्शन कॉज करता है जैसा कि कौन करते हैं, वायरसेस। प्रियोन्स में सिर्फ प्रोटीनेशियस कोटिंग होगी और कुछ भी उसके पास नहीं होगा, ठीक है। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। यस मैम। उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करा रखा है, मुझे जहां तक याद आ रहा है, असेलुलर ऑर्गेनिज्म। हाँ, जब आपने गलत करा था, बैक्टीरिया बोला था काफी बच्चों ने, तो असेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब यहाँ पे वायरस होगा आंसर, क्योंकि बैक्टीरिया क्या है, प्रोक्रियोटिक है। फंजाई क्या है, यूक्रियोटिक है। ट्राइकोडर्मा फंजाई का ही एग्जाम्पल है, ये भी यूक्रियोटिक है। बेचारा वायरस जो है, बेचारा तो नहीं है, बहुत डेंजरस है वायरस जो है, इसके पास किसी भी टाइप का कोई भी सेल अवेलेबल नहीं है। हम इसको ऑर्गेनिज्म का भी टैग दे रहे हैं, असेलुलर भी बोल रहे हैं हम, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जब हम लोग वायरसेस वगैरह के बारे में बात करते हैं, सीखना शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें से हर एक नाम हर एक टर्म एक क्वेश्चन है, याद रखेंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछा गया इस पेज का स्क्रीनशॉट तो जरूर ही लेंगे, ठीक है। इसमें एक एक वर्ड क्वेश्चन है आपका, पूछा जाएगा आपसे नीट के एग्जाम में। अगर आपसे पूछा गया हु कॉइंड या हु प्रपोज द टर्म वायरस, पाश्चर का नाम याद रखेंगे। पैश्चर ने वायरस टर्म दिया था, इसका मतलब वेनम या जहर या पॉइजन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक नाम आता है डीजे एवंस्की साहब का, ये क्या कर रहे थे, इन्होंने पता लगाया, अच्छा ये जो टोबैको है ना, इसमें ऐसे मोजैक मोजैक दिखने वाली जो बीमारी है, डिजीज है, ये टोबैको मोजैक डिजीज जैसी की कोई चीज होती है, ठीक है। ये किन्होंने पता लगाया था, डीजे एवंस्की ने। इन्होंने बस इतना पता लगाया कि हाँ ये जो है ना, ये बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया प्रूफ जो फिल्टर था ना उससे ये पास कर गया, ठीक है। और ये टोबैको मोजैक वायरस का बेसिक प्लान क्या होता है, ऐसे बाहर बाहर आपको जो ये ग्रेप्स के दाने जैसा जो एनसीईआरटी बुक में भी बना हुआ है, तो ये प्रोटीनेशियस कोटिंग को कैप्सिड तो खैर कहते ही, उसके यूनिट्स को हम लोग कैप्सोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं, कैप्सोमियर कहते हैं, ठीक है। इस पेज का लेंगे स्क्रीनशॉट। तो अगर आपसे पूछा गया हु रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स एज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको, यहाँ पे सारे के सारे जो आपको नाम लिखे हैं उसमें से एवंस्की के नाम को हम लोग टिक करेंगे। अब यहाँ पे पूछ, अगर मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया हु फर्स्ट टाइम क्रिस्टलाइज वायरसेस, तब स्टैनले का नाम आएगा, जैसे नमक चीनी के क्रिस्टल होते हैं ना, वैसे स्टैनले साहब ने उसको क्रिस्टलाइज कर दिया, ठीक है। और बिजर्निक साहब ने क्या किया, उन्होंने एक अलग ही एक्सपेरिमेंट किया, एक अनोखा ही एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया, एक हेल्दी प्लांट लिया
और एक इन्फेक्शियस प्लांट लिया। इन्होंने क्या किया, इसको थोड़ा सा स्क्रैच करके इसके ऊपर डाल दिया इन्होंने। इन्होंने देखा इसको भी इन्फेक्शन हो गया, बोले अच्छा मैं इसको बोलूंगा इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड। अगर आपसे पूछा गया हु प्रपोज्ड कंटेजियम वीवम फ्लूडम, तब हम लोग यहाँ पे नाम टिक करेंगे M.W. विजर्निक का। ठीक है, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करा था और ये इन्होंने पता लगाया था। पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर इस पेज का लेंगे, यहां मैंने मेंशन कर रखा है कि स्टैनले ने सबसे पहले वायरसेस को क्रिस्टलाइज करने का काम किया था। आज की क्लास में कोई डाउट किसी को, यहां तक समझने में कोई दिक्कत किसी को? नो मैम।